कहना है, ना तो तुमको मरने देंगे ना ही तुमको मोटा होने देंगे, तुम जैसे आज हो ऐसे तुमको हमेशा रखे रहेंगे। गुलामी बात ही अलग, चाहे सरकार की करे चाहे अपनी करे चाहे किसी और की करे, बात वही है। नौकरी में तरक्की नहीं है, तरक्की होगी तो गलत तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से ईमानदारी से कोई तरक्की नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का रोजगार, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या दुकान खोल के, या सारी चीजें करके, एक बहुत बड़ा पैसा लगता है। अगर हमारे आपके पास पैसा होता मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ बैठ के आप 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, एमएलएम नेटवर्किंग की दुनिया में नहीं आए होते, एमएलएम का एम सीखने नहीं बैठे होते यहाँ पे। तीसरा रास्ता है इन्वेस्टर, पैसे से पैसा कमाना। भाई वो तो अपने लिए है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पैसे है नहीं, तो पैसे से पैसे कमाएंगे कैसे? अब चौथा है बिजनेस ऑनर, बिजनेस मॉडल। बिजनेस में भी चार तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला फैक्ट्री मॉडल, जो बड़े बड़े बिजनेस पैसे वाले होते हैं, वो फैक्ट्री लगा के पैसे कमाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती है, कैपेसिटी होती है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, और वो उस तरीके से अपना करके अपने हिसाब से 4 साल 5 साल 6 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, और 4 साल 5 साल 6 साल बाद उनको पैसे आना स्टार्ट होते हैं। लाइक एज जियो, मुकेश अंबानी को देख लीजिए, फ्री में खूब बिजनेस किया काफी समय तक, उसके बाद पैसे आना स्टार्ट हुए। हमारे और आपके पास इतना कलेजा नहीं है कि 1 रुपया 2 रुपये भिखारी को 5 रुपये फ्री में नहीं दे सकते हैं, तो इतना बड़ा कलेजा नहीं कि लोगों को फ्री में बिजनेस दे, चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो पहला तो फैक्ट्री मॉडल हो गया, दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया बिजनेस में, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, KFC हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, बड़ी बड़ी ब्रांड जो है चुकी है, उनकी फ्रेंचाइजी ले ले और खोल के बैठ जाए, हमारा काम चलेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, नाम बन चुका है, वो ऑलरेडी ब्रांड हो चुके हैं और उनके नाम से लोग हमारे पास आए, तो उसमें भी बड़ा पैसा चाहिए। बात वही आती है पैसे पे आके अटक जाती। तीसरा होता है इमेज, अपनी पहचान से पैसा कमाना, जो आप सेलिब्रिटी करते, शाहरुख खान आए, विमल फाड़े मुंह में डाले, बोले के दाने दाने में केसर का दम, इंडिया की आधा आबादी तो उनको देख के विमल फाड़ना स्टार्ट कर, दीपिका पादुकोण आती है, आधा कपड़ा पहनती है, लग साबुन लगाती है, मेरे जैसा साबुन लगाओ, मेरे जैसे खूबसूरत बुरा बदन पाओ, तो लोग उनको फॉलो करके, आधा लोग जितनी लेडीजें हैं उनको फॉलो करके, भाई हमें भी दीपिका पादुकोण बनना। क्यों? ये साबुन का कमाल नहीं है, उनके नाम का कमाल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रगल करके उस लेवल तक पहुंचाया है कि आज वो जहर को भी अमृत बोलते तो लोग जहर को भी अमृत मान लें। हम और आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो आपके गांव में आपको जानने वाले कितने, कोई नहीं। जानते भी होंगे तो फलनवा का लड़का ये ऐसा है वैसा है ये वो इस तरीके से जानते, तो नाम बेच के पैसे कमा तो सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? कि पहले वैसा काम करें, उस लेवल पे जाए, तब तो हम अपना नाम बेचे। नीरज चोपड़ा एक बड़ा अच्छा नाम निकल के आया अभी बीच में, कोई नहीं जानता था, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और आज पूरा दुनिया उनको जानना स्टार्ट कर दिया, और आज जिस भी चीज का वो प्रचार कर दे लोग उनके बात पे उनके नाम पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या लगता है वो किसी चीज का ऐड करते हैं फ्री में करते हैं? नहीं, पैसे लेते हैं, ये बिजनेस है, और सोच से ज्यादा पैसे लेते हैं, खूब पैसा है इस नेम फेम वाले बिजनेस में, खूब पैसा है, लेकिन पहले अपनी बनानी पड़ेगी, अपनी तो है नहीं। चौथा मॉडल है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें दोस्त सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बिना कुछ लगाए, बिना समय दिए, बिना सीखे, बिना पैसे के करोड़पति से करोड़पति बना जाता है। और ऐसा हवा हवाई नहीं मैं बोल रहा हूं, आज कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैं करूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं, दूसरे की जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश सर की बात कर लेता हूँ, राकेश जायसवाल सर की मैं बात कर लेता हूँ, दूसरे की बात छोड़िए, सचिन सूर्यवंशी सर की बात कर लेते हैं। हमारे और आपके जैसे क्या कुछ अलग है? नहीं, दो हाथ दो पांव, आंख नाक कान सेम हमारे आपके जैसी चीजें उनके पास भी, सबके पास 24 घंटा आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सर के पास भी है। उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके लोग बहाना बनाना चाहें तो एक व्यक्ति
हर चीज में बहाना बना सकता है। चाहते तो सचिन सर भी बहाना बना सकते थे, यार आई एम आर्मी मैन, मैं ड्यूटी करता हूँ, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल को फॉलो करने पड़ते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हम लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, इतना व्यस्त, इतनी बेहतर देश की सेवा करते हुए भी, उसके बावजूद थोड़ा सा समय बचता है, उस समय में कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए सर से, कैसे मैनेजमेंट करके और आज इतनी बड़ी अंपायर तैयार कर दी है, जिस इसके पहले जिस कंपनी में थे 6.5 लाख रुपए का मंथली पे आउट ले रहे थे, छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती 6.5 लाख रुपए। तो सोचिए हमें आपको चाहिए क्या, सपने पूरे करने, सपने पूरे होंगे कहां, पैसे से आएंगे। तो रास्ता क्या है, एक ही रास्ता अपने को बसता है, नेटवर्क मार्केटिंग, ईमेल। और आपको एक चीज और बता दें, पुरानी कंपनियां जहां लोग पैसे कमा रहे हैं, अगर आप अब वहां जाएंगे तो वहां पैसे आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनका शुरुआती दौर खत्म हो चुका है, प्रसिद्धि का दौर खत्म हो चुका है, वहां कंपटीशन प्रतियोगिता का दौर चालू है। और कभी भी कोई व्यक्ति प्रतियोगिता के दौर में घुस के पैसे नहीं कमा सकता है। आप एग्जांपल की बात करें, कंप्यूटर का जब शुरुआती दौर आया था तो पहले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर धीरे 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 समझाया गया, लोग समझ में आना स्टार्ट हुआ, फिर प्रसिद्धि का दौर आया, उस समय जितने लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस किए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली, आज सब वो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। आज भी वही दौर है, आज आप कंप्यूटर सीखो, हर घर में हर व्यक्ति कंप्यूटर सीखा हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई पैसे नहीं कमा पा रहा है। तो उसी तरीके से पुरानी जितनी कंपनियां, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई हैं, उसमें पैसे कमाना टफ हो गया, पैसे नहीं कमा सकते। पैसे कमाने का सही तरीके, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़िए, शुरुआती टाइम की पकड़िए, अच्छा व्यक्ति समझिए, जो व्यक्ति अच्छा हो, नियत का अच्छा हो, आप जानते हैं उसको अच्छे तरीके से, उसके साथ में जुड़िए, शुरुआत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि शुरुआती के दौर में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और एक बार गलती से आप शुरुआती दौर में आके मेहनत कर लिए, मेरे दोस्त इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और प्रतियोगिता दौर में फिर आप ब्रांड बन जाओगे, ब्रांड। आज आपके बीच में कुछ ऐसे लीडर हैं भी जो उनके नाम से जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनके नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, हर्षवर्धन जैन, सुरेंद्र वट्स, सोनू शर्मा, उज्ज्वल पाटनी, विवेक बिंद्रा, इनके नाम से लोग जानते हैं। कुछ और छोटे छोटे भी लीडर हैं जिनको हम और आप जानते हैं। तो आपके पास सपनों को पूरा करने का एक रास्ता दिखता है, एमएलएम। तो यहां पे अपने को लॉक लगाए कि मुझे एमएलएम करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, और वहीं से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लगने वाला कुछ नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, कुछ उजड़ना उजाड़ना नहीं है, यहाँ पे बस आप अपने सपने पूरे करने के आते हो। इस इंडस्ट्री का नाम ही है सपने पूरे करने वाली इंडस्ट्री। आज जितने ज्यादा करोड़पति पैदा हुए हैं, आप इतिहास जनरल नॉलेज खोल लेना, ज्यादा से ज्यादा करोड़पति गरीब जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही पैदा हुए। पहला आपका रास्ता क्लियर हो गया, अब सोचिए, थिंक, सोचिए कि रास्ता भी मिल गया, सपने भी मिल गए, अब पूरे कैसे करना है। रास्ता तो मिल गया, अब काम करिए, क्योंकि अब सोचने से पैसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त, आपने सोच लिया, अब करना पड़ेगा। और जब आप करेंगे तो कैसी आपकी डिजायर होनी चाहिए। कहते दोस्तों, सोच दो प्रकार की होती है, एक छोटी सोच, एक बड़ी सोच। छोटी सोच क्या है, तुमने मुझे गाली दिया, मैं भी तुझे गाली दूं, तुमने मेरे को मारा, मैं भी तेरे को मारूंगा, है ना, मतलब सीधा रिएक्शन करना, छोटी छोटी चीजों में फंसना फंसना, उल्टी सीधी हरकतों से अपने आप की छोटी छोटी लेवलों में जाके अपनी पहचान को छोटा बना। बड़ी सोच क्या है, जैसे देखिए, कॉपी करते लोग, नकल करते हैं, बड़े बड़े भी लोग करते हैं, छोटे छोटे भी लोग करते हैं। समानता क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, गरीबों की सोच क्या होती है, तू हमारी माँ को गाली दिया, मैं तेरी माँ को गाली दिया, राइट, तुमने मेरे को मारा है, मैं तेरे को मारूंगा, ये छोटी सोच गरीबों की सोच होती है। अमीरों की सोच क्या होती है, टाटा नैनो ने छोटी कार निकाली, मारुति सुजुकी ने भी छोटी कार निकाल दी,
बजाज ने भी कार निकाल दी, अब वहां भी कॉपी हो रहा है। आपके नकल करने में आपके कॉपी में कुछ नहीं हुआ, आपका नुकसान हुआ, और वहां पे वो निकाल के हमसे और आपसे बिजनेस करके और आगे बढ़ते चले जा रहे, वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोच है, तो पहले एक मजबूत सोच बनाइए, बड़ी सोच बनाइए कि यस मुझे करना ही करना है, अपने सपनों को पूरा ही करना है। जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होंगे मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं, जब तक मेरी कार नहीं आ जाती तब तक मुझे आराम से बैठना नहीं है। आपकी बड़ी सोच और मजबूत सोच होनी चाहिए। फिर अगला आता है डिजायर, आपकी इच्छा कैसे होगी। एक मजबूत इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी कहानी में इसके ऊपर बताने का प्रयास करूं। मान लीजिए चार दोस्त हम लोग बैठे होते हैं, ठंडी का समय, खाना वाना नहीं खाए, रात को 8-9 बज गए, अब दिमाग है, भूख लगने लगी, चारों ने मिलकर प्लानिंग किया कि यार चलो यार आज आलू के पराठे खाते। बोले ठीक है, बोले चलो मार्केट में खाते, क्योंकि घर में तो सामान था नहीं बनाने। पहले तो ठंडी कड़ाके की थी, हिम्मत नहीं हुई, फिर किसी तरीके से बोले चलो, थोड़ा जोश एनर्जी भरा गया, मोटिवेट किया गया, तैयार हो गए आलू के पराठे खाने के लिए, मार्केट चलने के लिए निकल दिए बाहर, रोड पे निकले, ठंड लग रही थी, थोड़ा दूर पैदल चले, बोले नहीं भाई खाना तो आलू का पराठा है। पहले तो पूरी प्लानिंग, कसम वादे सब कुछ हो गए, यस मैं कसम खाता हूँ ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आलू का पराठा खाना, इस तरीके की बहुत सारी वादे हुई। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा दूर आगे गए, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले। अब उसमें से एक व्यक्ति लगा के यार ये लोग पैदल चला चला के मार डाले, इससे अच्छा तो मैं भूखा ही सो जाता। उसके दिमाग में नेगेटिविटी आई, बोला भाई ऐसा है एक काम करो, आप लोग जाओ आलू का पराठा खाओ, मैं ना जाके कहीं पे मूंगफली नमकीन वगैरह लेके खा के सो जाता हूँ, सुबह फिर हमारी आपसे मुलाकात। सोचिए इच्छाएं तो सबकी थी चारों की, रोटी आलू का पराठा खाना है, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा कमजोर हुई, वहीं से साइड हो गया, अपना कुछ खाया पिया सो गया, बोला पेट ही भरना है, जरूरी थोड़ी आलू का पराठा खा के पेट भरे। वही हाल, आपके सपने ही तो पूरा करना है, जरूरी थोड़ी कार लेके सपने पूरा करें। अरे दूसरे की कार में बैठ के भी तो सपना पूरा किया जा सकता है। कुछ लोगों का जब सपना पूरा नहीं होगा ना तो इसी तरीके से बदल जाएगा, यार कार ही तो चल रहा था, यार मेरी नहीं पड़ोसी की कार है, अपनी ही तो कार है, बैठ के अपने एंजॉय कर रहे हैं। तो बचे तीन लोग, तीन लोग आगे चलते गए चलते गए चलते गए, उसमें से एक व्यक्ति के अंदर फिर से कुछ उथल पुथल हुआ, बोला भाई एक काम करना, ये जो क्या बोलते हैं मूंगफली का ठेला वाला है, तुम लोग जाओ आलू का पराठा खाओ, मैं मूंगफली खा के जाके सोता हूँ, थक गया हूँ, हिम्मत नहीं लग रही, पड़ गई। वो भी मूंगफली खाया गया, सो गया। अब बचे दो लोग, अब दोनों ने बोला भाई अब क्या करें, खाना है तो खाना है, बोले यार बहुत दूर निकला है, बोले कुछ नहीं जब तक नहीं मिलेगा तब तक आराम नहीं करना है, पीछे नहीं मुड़ना है, आज आलू का पराठा खा के ही रहे। फिर थोड़ा दूर आगे जाते जाते दो लोग बचे थे, एक बोला यार एक काम करना भाई, तेरे को खाना है तू खा, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत पैदल चल यार, बहुत थक गया हूं, बहुत मेहनत करा दिया, मैं आलू का पराठा नहीं खाना, मैं कुछ भी खा के पेट भर लूंगा। वो भी साथ छोड़ के निकल गया, गया खाया पिया सो गया। और जैसे ही वो व्यक्ति आधा किलोमीटर और आगे गया होगा, एक मार्केट मिली, एक स्टेशन मिला, रेलवे स्टेशन मिला, और वहां पे बढ़िया मस्त एक रेस्टोरेंट था जो 24 घंटे खुला था रात के 12 बजे भी, और गया बढ़िया वहां आलू का पराठा ऑर्डर दिया, खाया पिया, मूंछों पे ताव दिया और आया सोया। तो आपको भी इसी तरीके के लोग मिलेंगे, एक तो लोग मिलेंगे जो बोलेंगे बहुत करेंगे कुछ नहीं, और एक वो होंगे जो बोलेंगे कुछ नहीं करके दिखाएंगे। तो डिजायर आपकी इच्छा कैसी है, वो चौथे वाले व्यक्ति जैसा खाना है तो आलू का पराठा ही खाना है, चाहे जैसे हो जाए, उसके जैसी इच्छा बनानी है, या तो बस हमें चाहिए कार चाहिए, ठीक है कार लेंगे, थोड़ी सी मेहनत दिक्कत परेशानी आई नहीं कि पीछे हट गए, किस तरीके में आपके सपने पूरे नहीं हो। सपने आपने बना लिया है तो काम करेंगे तो 100% पूरे होंगे, लेकिन तब जब आप हार नहीं मानेंगे तब। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें जाना, अब आइए थोड़ा सा एक बात करते हैं फाइनली स्टेज की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर सक्सेस, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं सफलता क्या है। हर व्यक्ति यहाँ पे किसी भी चीज को अन्यथा नहीं लेना है, हम लोग सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारी और आपकी उम्र यहां तक पहुंची, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, तो हम लोगों ने अपने बचपन में अपने स्कूल में जरूर कभी न कभी किसी न किसी से प्यार किया रहा होगा, हमारे भी आपकी छोटी मोटी एक लव स्टोरी रही होगी। हो सकता है कुछ लोग 2-5% इसमें से इस टाइप के लोग ना हो,
बाकी ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो एक पड़ाव है, उस पड़ाव से गुजरना जरूरी है, हर व्यक्ति उस पड़ाव में पार करता है। सोचिए जब पहली आपकी शुरुआत हुई थी, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, तो कैसे हुई थी? एक छोटी सी कहानी घटना में बताता हूं, समझिएगा कि मेरी ही घटना है। जब पढ़ाई के दौरान में थे, हम लोग आपस में बैठा करते थे सामने वाले बेंच पे, इधर भी है, तो पहले इशारे आंखों से होते, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर धीरे धीरे बात वहां से कहां पहुंच गई, लेटर। मतलब तो कितना डर था, डर होने के बावजूद भी धीरे धीरे कैसे कैसे, कितना, किसी से कोई डर नहीं, यहां तक कि कुछ लोगों ने बोला, जान पहचान पता चल गई, टीचर को पता चल गया, कई बार मार भी खाए, लोगों ने बोला जाके तुम्हारे घर बता देंगे, डर लगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यानी महसूस कीजिए वो दौर, छोटा सा थोड़ा सा पहले वाला। मैं आपको इसके माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग मजबूती वाली एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं। सोचिए आपका स्ट्रगल टाइम क्या था, कितना आपके और उसके बीच में कितना संघर्ष था, कितना स्ट्रगल था। कई बार तो ऐसा हो गया, धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ती गई तो एक समय ऐसा हो गया, बगैर उसके देखे आपको चैन नहीं आता, बगैर उसको देखे आपको नींद नहीं आती थी, स्कूल में मन नहीं लगता था, आपका टाइम पास नहीं होता था। यानी धीरे धीरे बात यहां पहुंच गई और स्ट्रगल संघर्ष, आप एक समय ऐसा था स्कूल जाने का मन नहीं करता था, फिर एक समय ऐसा आ गया सिर्फ उसको देखने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ता गया, फिर डर, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल होने लगा, लुक छुप के मिलना स्टार्ट कर दिए, डर लगने लगा यार कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, ये होगा, यहां तक कि बात घर पे भी पहुंच गई, किसी ने बता दिया, कहीं देख लिया कोई, कितना डर था, डर होने के बावजूद। और वो डर ऐसा था, समाज का डर, नाम पहचान, इज्जत का, मम्मी पापा का, घर वालों का, ना जाने कितना बड़ा डर, कितना बड़ा रिस्क लिए थे वहां, बस मिलने के लिए, देखने के लिए, कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार थे, पूरी इज्जत की वाट लगाने के लिए तैयार थे, नाक कटाने के लिए तैयार, सिर्फ किसके लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए। ये हाइड एंड सीक चलता गया, चलता गया, चलता गया, बात फैमिली रिलेशन पे पहुंच गई, कुछ समय और बीता तो बात परिवार तक पहुंच गई, किसी ने बोला नहीं ऐसा है वैसा, बोले ना वो दूसरे का है ये, मतलब अपनी बातें जो चलती हैं, यहां तक की बात ऐसी भी आ गई, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हमारे आपके सामने हैं, लोगों ने बोला या तो परिवार को चुन या उसको चुन, हमने एक शब्द में झटके में बोल दिया मुझे वो चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए। सोचिए जो व्यक्ति 18 साल 20 साल अपने कलेजे से लगा के पाला पोसा, इतना बड़ा किया, हमारे सारे सपनों को पूरा किया, खुद नहीं खाया हमें खिलाया, खुद नहीं पहना हमें पहनाया, इतना सब कुछ, वो सारी चीजें भूल के हम सिर्फ एक साइड हो गए उस चीज के लिए, नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो चाहिए। लोगों ने बोला मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे, बोले कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं मत रहने दो मुझे अपने घर में। नतीजा क्या हो गया, दोनों ने मिलके एक नई जिंदगी की, एक नई पारी की शुरुआत करते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत, लेकिन वो मिलके अपनी एक लाइफ की शुरुआत करते हैं और वो अपने शुरुआती मिशन को जो शुरू करते हैं उसको सफल लास्ट पहुंचाते हैं, नहीं वो अपने मिशन में सक्सेस होते हैं कि नहीं। अगर वही प्यार, बात समझिएगा दोस्त, अगर वही प्यार, वही सपने, वही पागलपन, वही जुनून, वही हाइड एंड सीक, वही सब कुछ अगर मैं अपने सपने से कर लूं, तो क्या लगता है मेरा सपना मुझे मिलने वाला है कि नहीं, क्या मेरा सपना मेरा पूरा होने वाला है कि नहीं। वहां तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क था, यहां क्या रिस्क है यार, यहां सपने पूरे होंगे तो आपकी भी बल्ले बल्ले, आपके परिवार की भी बल्ले बल्ले, जो आज आपको गाली दे रहे उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो भी बोलेंगे यार ये तो मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे गांव का लड़का है। अभी आप सफल नहीं हो ना, कोई नहीं बोलता, जिस दिन आपके पास पैसे आने लगेंगे ना, हजारों लाखों आपके दोस्त बन जाएंगे, बोलेंगे यस तू तो मेरा दोस्त है यार, मुझे पता है तू कर लेगा। फिर लोगों के सुर कैसे बदलते हैं, और इन्हीं चीजों में लोग हिम्मत हार जाते हैं, स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं। जब लोग आपको उंगली करना स्टार्ट करे, चैलेंज करना स्टार्ट करे, तो समझना मेरे दोस्त वो आपको नहीं, आपकी काबिलियत के ऊपर शक कर रहे हैं, और आपको अपनी काबिलियत दिखाने का 100% पूरा
चांसेस हैं, और आप दिखाइए लोगों के मुंह को बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप उनके मुंह को नहीं बंद करेंगे तब तक वो बोलते रहेंगे। दो ही है, या तो आप बोलो या तो वो बोले, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हो, एक ही बोलेगा। अब आप डिसाइड करो कि बोलना किसको है, तुमको बोलना है या उसको बोलना है। वो बोलेगा साला जिंदगी भर बोलेगा, और आप एक बार काम कर दोगे ना, कुछ समय के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा, उसके बाद आप जब जब बोलोगे उसकी पूरी पीढ़ियां, पूरे खानदान, पूरा परिवार उसका सुनेगा। तो चूज इज योर चॉइस, व्हाट इज रॉन्ग आर राइट। तो ये सपने आपके हैं, सफलता क्या है मैंने वो बताया, आपको समझाने का प्रयास किया, पूरे कैसे होंगे मैंने वो बताया, रास्ते क्या है वो मैंने बताया, करना आपको है। अब यहाँ पे एक मजे की बात ये है दोस्त, कि अभी ये सिस्टम शुरू हुआ है, हम सभी लोग एक हैं, अपने हैं, अभी तक आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है, आपको भी सफल होना है, हमें भी सफल होना है, कंपनी को भी सफल होना है। टीम का मतलब क्या होता है, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, अलग अलग जगह से लोग एक निश्चित लक्ष्य के लिए काम करें, वही टीम होती है। तो हम लोग भी टीम है, आप कहां से हो, आपका जाति धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों का लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य के ऊपर काम करना है, और जब लक्ष्य पूरा होगा मेरे दोस्त, तभी आप भी सफल होगे, हम भी सफल होगे, कंपनी भी सफल होगी। और मौका यही है, सही समय, शुरुआती समय यही है, हम सब लोग मिलके एक हो जाए और विरोधियों को दिखा दें, साबित करके दिखा दें, यार चार दिन के लिए हम बैठ के आ गए, तुम हमारी काबिलियत पे शक करने लगे। यार अपने अंदर वो काबिलियत है ना, वो काबिलियत है कि अगर खड़े हो जाए मार्केट में ना, तो भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्त लगते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। और इस तरीके से आप हम सब मिलके एक प्रण करें, कसम खाएं कि नहीं, यानी हाउ कंडीशन, मुझे चैलेंज लेके काम करना है, मुझे पहला सिल्वर, पहला गोल्ड, पहला डायमंड, पहला एम्बेसडर बनना है, मुझे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाले बनाने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा सिल्वर बनाने, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बनाना, ज्यादा से ज्यादा डायमंड एम्बेसडर बनाने हैं। आपका एक टारगेट ये होना चाहिए मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम में पैसे कमाएंगे, तभी आप पैसे कमाएंगे। अब आपका सपना, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, सपना है कार खरीदने का। तो जब आप अपने टीम में कम से कम 10 से 15 लोगों को बाइक दिलाएंगे, तब आपका कार आने वाला है, बाकी आप समझदार हैं। तो थैंक यू दोस्त, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हाउ डू यू वांट अप, करना कैसे, लास्ट जाते जाते चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, करना कैसे। लर्निंग योर प्लान एंड प्रोजेक्ट, आपका जो प्लान है उस प्लान को हमेशा सीखिए, अपने प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। प्लानिंग विथ योर टीम, आप अपने टीम के साथ प्लानिंग कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, टीम के सपनों को पूरा करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, कंपनी को सफल बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए अपने टीम के साथ प्लानिंग कीजिए। फोकस ऑन योर टीम, अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगा के सो गए, चल भाई तुझे करना होगा तो करेगा ना, कभी ऐसा होने वाला नहीं। अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। कनेक्ट टू लीडर, डियर लीडर टीम, यानी कनेक्ट टू डियर लीडर टीम, अपने डियर लीडर्स के साथ कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि हम फोन स्विच ऑफ कर दिए, क्या हो रहा क्या नहीं, 24 घंटे सातों दिन आपका पूरा फोकस, आपका तन मन धन, आपकी संपत्ति, आपका सब कुछ आपकी टीम है। अपने टीम से कनेक्ट रहिए, आप जितना कनेक्ट रहेंगे उतना आपके टीम में काम होगा। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, लगातार और बार बार काम करते रहिए, अपने टीम को बार बार कॉल करते रहिए, लगातार करते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, बार बार ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए, लाते रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग करते रहिए। वर्क ऑन योर टारगेट, हमेशा अपने टारगेट के ऊपर काम करना है, टारगेट के अलावा कुछ काम ही नहीं करना है। अगर आप टारगेट से भटक गए तो समझिए अपनी जिंदगी से आप भटक गए मेरे दोस्त। फिर उसके बाद अगला टारगेट, अगला पॉइंट, अचीव योर गोल, अपने गोल को आप अचीव करें, प्राप्त करें, अपने एम को प्राप्त करें। और जब आप ऐसा करेंगे तभी यू आर ए रियल हीरो, जो आप हैं। अगर इन चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे तो कभी आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी आप अपने आप को एक रियल हीरो नहीं बना पाएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन क्या है, आपकी टीम, एजुकेशन, मोटिवेशन और रिलेशन, यानी जिंदगी जीने के लिए हमें सांस, पानी और खाना चाहिए। इस बिजनेस में जिंदा रहने के लिए, सफल होने के लिए क्या चाहिए,
एजुकेशन, मोटिवेशन और रिलेशन, ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इस बिजनेस में हमेशा जिंदा रहें। अब इसमें करना क्या है, चार्ज योर स्मार्टफोन विथ योर ओरिजिनल चार्जर एवरी डे। आपने कभी देखा है आपका स्मार्टफोन है 10,000, 15,000, 20,000 का स्मार्टफोन है, अगर आप उसको लोकल चार्जर से लगा देंगे तो चार्ज नहीं करेगा बल्कि फोन खराब हो जाएगा, ये आपका चार्जर खराब हो जाएगा या फोन खराब हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही चीजें एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा, आप अपने स्मार्टफोन को अपने ऐसा ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कीजिए, यानी आप स्मार्टफोन है, आप एक स्मार्टफोन है और आपका एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइंग जो है वो आपका ओरिजिनल चार्जर है। हमेशा अपने अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट रहना है, चार्ज करते रहना है अपने आप को अपने अपलाइन से, क्योंकि जब तक आपका अपलाइन आपको चार्ज करता रहेगा तब तक आप चलते रहोगे। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है तो स्विच ऑफ हो जाते हैं, उसी तरीके से आप जब डिस्चार्ज हो जाओगे ना तो कुछ होने वाला नहीं, आप भी साइलेंट मोड में साइड हो जाओगे। तो आपका काम है, क्योंकि मोबाइल क्या करती है, मोबाइल को चार्ज करते हो आप ना, चार्जर तो कभी नहीं आता कि यार मोबाइल चार्ज कर दो, आप चार्जर के पास जाते हो। तो आपको भी अपनी टीम अपलाइन के पास हमेशा चार्ज होने के लिए जाना पड़ेगा, सुबह शाम दो टाइम तो चार्ज होना ही होना है। फिर नो चार्ज योर स्मार्टफोन विथ डुप्लीकेट चार्जर। आपके टीम में आपके अपलाइन में अगर कोई ऐसे भी अपलाइन होंगे जो गलत होंगे, जो आपका सपोर्ट नहीं करते होंगे, आपको डिमोटिवेट करते होंगे, आपके टीम को खराब करते होंगे, तो कभी ऐसे लोगों के संपर्क में मत रहिएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट चार्जर है, या तो वो आपके स्मार्टफोन को खराब कर देंगे या खुद खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करना है एवरीडे। जैसे आप फोन खरीदते हैं कवर लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, टूटने फूटने ना पाए, गिरने ना पाए, चोट ना आने पाए, उसी तरीके से आप अपने डाउनलाइन की, अपने टीम की हमेशा रक्षा करें, नेगेटिव हवा ना आने पाए, लोग नेगेटिव ना करने पाए, उल्टी सीधी हरकतें ना होने पाए, ये चीजें अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे आपके टीम में दिन दोगुना रात चौगुना इतनी तरक्की होगी, इतना इनकम बनेगा पर डे का कि आप सोच नहीं सकते हैं। कीप डिस्टेंस फ्रॉम क्रॉस लाइन टीम। आपको अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन की टीम में बात करना है, रखना है, क्रॉस लाइन के संपर्क में नहीं आना है। अगर आप क्रॉस लाइन के संपर्क में आ गए तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं खत्म हो जाओगे, या तो आप उसे नेगेटिव कर दोगे या तो वो आपको नेगेटिव कर देगा। क्योंकि जब लीडर अलग अलग लीडर आपस में बात करते हैं तो पॉजिटिव बातें कम होती है, नेगेटिव बातें ज्यादा होती है। अगर आपको जिंदा रहना है, इस बिजनेस में सफल होना, सक्सेस होना है, तो कड़वी बातें हैं मगर सच्ची बातें अच्छी बातें हैं। अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के अलावा कहीं आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चला मुंह मारने के चक्कर में हम खुदे मर जाएंगे। फिर अटेंड एनी टाइम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार विथ योर लवली टीम। जब कहीं भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार वेबिनार हो तो आप अकेले नहीं, अपनी प्यारी लवली टीम के साथ उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करें, तब जाके ये सारी चीजें आपके साथ होगी, आपके सपने पूरे होंगे। ओके दोस्त, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। बाकी अगर कुछ भूल हुई होगी, कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे, आपको आहत हुई होगी, माफ कीजिएगा दोस्त, अपना छोटा भाई समझ के। बाकी फिर आपके बीच में आते रहेंगे, इसी तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप बस हमेशा अपने टीम को कनेक्ट करके रखिए सिस्टम से, सिस्टम आपको इतना कुछ दे देगा कि आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको काम करना है, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू यू होस्ट, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर आपका सर धन्यवाद सर। और वाकई में सर आज का आपका जो सर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा सर, दिल छूने वाला रहा सर, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सर रहा सर। आपका सर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर बारे में सर मेरी सर इतनी औकात नहीं कि सर मैं बता पाऊँ।